अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान तो आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, यानी पहली इफ्तारी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इफ्तारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए आज मैं सबसे पहले बना रही हूँ चिकन पुलाव। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने चिकन पुलाव के लिए 1 kg मतलब 1 किलो चावल लिए, उसको अच्छे से चुन लिया, मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर मैंने उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया। एक बार उसको मैंने भिगो कर रख दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। साथ ही मैंने प्याज काट लिया। साथ ही मैंने देगची रखी फ्लेम पे, उसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। साथ ही उसमें मैंने मोटा गरम मसाला ऐड किया 1/2 टेबल स्पून, जिसमें ज़ीरा, मोटी काली मिर्च, इलायची और ये सब चीज़ें होती हैं। उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया जब वो, फिर साथ ही उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को इतने अच्छे से फ्राई किया, फ्राई किया कि चिकन अच्छे से गोल्डन हो जाए। उसके साथ ही मैंने उसमें सोया सॉस और विनेगर ऐड कर लिया था। मैंने इसके अंदर नॉर क्यूब भी डाल दिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया और चिकन जब फुल गोल्डन ब्राउन हो गया, अच्छे से कुक हो गया, तो उसके अंदर मैंने टमाटर मैंने यहाँ पे 3 यूज़ किए हैं स्मॉल साइज़ के, और हरी मिर्चें भी मैंने इधर 5 से 6 यूज़ की हैं, उनको लंबा लंबा कट कर लिया। और लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया। साथ ही मैंने इसमें मसाले डाले, लाल मिर्च पिसी हुई मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला, 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला, और साथ ही मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को ये सब मसाले भी ऐड हो गए। फिर इनको अच्छे से भूना मैंने। ये अच्छे से जब भून गया, जब इसका ऑयल निकल रहा था, तो मैंने साथ ही इसमें पानी डाल दिया। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से डालेंगे कि आपके चावल में कितना पानी यूज़ होता है। मेरे मतलब 1 kg मेरे चावल थे, तो मैंने इसमें 2 kg पानी ऐड किया। जब पानी पकने लग गया, तो इसके अंदर मैंने जो चावल भिगो कर रखे हुए थे उसका पानी निकाला और उन चावलों को मैंने इस पानी में ऐड कर दिया। इसमें ऐड किया, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसमें चम्मच लगाया, फिर इसको मैंने पकने दिया। पानी जब पकना शुरू हुआ, फिर पकता हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके चावल भी फूलना शुरू हो गए। फिर साथ ही इसके चावल जब फूलना शुरू हुए, साथ साथ आपका पानी सूखता गया। जब पानी सूख गया, तो आप इसका हल्का सा नमक, जब पानी हल्का सा रह जाएगा ना, तो नमक आपने हल्का सा ना टेस्ट करना है कि फीका वगैरह तो नहीं है। अगर कोई आपको लग रहा है फीका है या इस तरह कुछ, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं उसी टाइम। तो बस ये पानी सूख चुका है, अब मैं इसको दम पर रख दूंगी और ये मेरे चावल तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसको 15 मिनट का दम दूंगी, ये मैं दम पर रख रही हूँ। तो अब ये देखें, मेरा दम हो चुका है कंप्लीट। ये देखें कितने अच्छे बन गए। और आज की मेरी दूसरी रेसिपी है पकोड़े। इसके बगैर इफ्तारी का दस्तरखान बिल्कुल अधूरा सा लगता है। मैंने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए, 3 स्मॉल साइज़ के आलू लिए और 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, एक बाउल में डाल लिया। 3 से 4 टेबल स्पून बेसन के, उसी के अंदर मैंने मसाले डाले। लाल मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून ली, नमक मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया, धनिया पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया, ज़ीरा मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया, और मीठा सोडा मेरा 2 to 3 पिंच मैंने इसमें ऐड किया। इन सब चीज़ों को ऐड कर लिया। इसके अंदर मैंने इनको मिक्स किया। इसके अंदर मैंने इतना पानी यूज़ किया कि अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मेरा तकरीबन पानी 1/2 कप इसमें यूज़ हुआ होगा। ठीक है, इसको इतना मिक्स करना है कि आपका मिक्सचर अच्छा सा बन जाए, ज़्यादा पानी ना हो जाए। तो इसको मिक्स कर लिया और साथ ही मैंने फ्लेम पर कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल डाला और वो ऑयल गर्म हुआ, तो उसके अंदर मैंने साथ साथ पकौड़े डालना शुरू कर दिए। पकौड़े डालती गई और साथ साथ फ्राई करती रही। तो इसके साथ ही मैंने शेक भी बनाना था। साथ साथ फ्राई हो रहे थे, तो साथ ही मैंने शेक भी बना रही थी। शेक के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज यूज़ की हैं और एप्पल यूज़ किया है। उसको मैंने जग में ऐड कर दिया, जग के साथ उसके अंदर साथ ही मैंने उसमें सेब भी ऐड कर लिया, साथ ही मैंने उसमें दूध भी डाल लिया। और हम मैं चीनी इतनी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। तो उसमें 4 टेबल स्पून शक्कर के ऐड किए और ये शेक बना रही हूँ। शेक बहुत मज़े का बना हुआ है, ये भी बन गया। इसके साथ ही मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, साथ साथ कट करूँगी चना चाट के लिए। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। साथ ही मैंने चने लिए हैं, इसमें मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के यूज़ किए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें यूज़ की हैं, और इसके अंदर मैंने 1 खीरा यूज़ किया है, सलाद के पत्ते, और 1 खीरा भी यूज़ किया। इन सब चीज़ों को कट कर लिया। साथ ही मैंने इमली रखी थी
हाफ पाव इमली थी उसको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था, इसमें ऐड कर दिया, इन सब चीज़ों को मिक्स किया। इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है, हाफ से भी कम टी स्पून काली मिर्च ऐड की है। ये अच्छे से मिक्स हो गया तो ये बहुत ही मज़े की डिश बन गई है। मेरी दो तीन रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे कबाब, बीफ कबाब हैं ये, और अब मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। साथ ही पैन रखा, उसको जल्दी से उसको फ्राई कर लिया, तो ये भी देखें ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये है मेरी अफ्तारी, इसमें मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत यूज़ करूँ, फिर भी ना ना करते बहुत कुछ हो गया। खैर, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। बस बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।